तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर सिंपल तरीके से जो आपका एप्स लॉक है गाइज़ वो आप इनेबल कर सकते हैं। तो गाइज़ एक्चुअली क्या रहता है सैमसंग के फ़ोन के अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि गाइज़ आप इसके अंदर ऐप लॉक इनेबल कर सकते हैं, आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहती, बट थोड़ा तरीका अलग है। क्या तरीका अलग है गाइज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपके नॉर्मल एप्लीकेशन है, जैसे कि गाइज़ सपोज़ करो यहाँ पे एक नेटफ्लिक्स हो गया हमारा, ठीक है, और एक यूट्यूब हो गया, ये तो आपके नॉर्मल एप्लीकेशन रहेंगे ही। बट क्या करता है सैमसंग सिक्योर फोल्डर की मदद से गाइज, ये एक सिक्योर फोल्डर वाला जो ऑप्शन देख रहा है मेरे फ़ोन के अंदर, ये भी आपके फ़ोन के अंदर आपको शो हो जाएगा। इसके अंदर आप वाले ऐप्स रख सकते हैं जिन पे आप लॉक लगा के रखना चाहें, चाहे वो यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो, सारे ऐप डुप्लीकेट करके आप यहाँ रख सकते हो। एक्चुअली ये किस टाइप से काम करता है कि आपके डुअल एप्लीकेशन बन जाते हैं, एक में आपका लॉक लग जाता है, वहाँ पे आप कुछ भी करेंगे वो बिल्कुल उसका डाटा बिल्कुल अलग रहेगा, और आपके जो नॉर्मल एप्लीकेशन रहते हैं वो सारे नॉर्मल रहेंगे बिना किसी लॉक के। तो कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से, सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले चीज़ गाइस आपको यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है, तो यहाँ पर हम सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आप आएंगे तो सेटिंग में आने के बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी का, तो इस पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद गाइस यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिक्योर फोल्डर का, ठीक है, इस पर आपको टैप कर लेना है। गाइस इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे मेरे से ये पासवर्ड पूछ रहा है, आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको यहाँ पे सैमसंग अकाउंट डालने को बोलेगा, वहाँ पे आप जीमेल आईडी डाल के लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिलती है, काफ़ी सारे इसके लॉग जो हैं वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आपको सारी चीज़ ध्यान नहीं देनी, आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स का, इस पर ध्यान देना है, ठीक है, और एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड सिक्योर फोल्डर टू ऐप्स ऐप्स स्क्रीन, इसको इनेबल कर लेना है, ठीक है। अगर इसको इनेबल कर देंगे तो वहाँ पे आपको एक सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे हम ऐप्स पे क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे सारे ऐप्स हमको शो हो जाते हैं, इनमें से हम कितने एप्लीकेशन को हम यहाँ पे डोर करना चाहें वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से गाइस अगर आप जैसे किसी को भी आप यहाँ पे देखना चाहें कि आपके फ़ोन के अंदर ये जैसे कि ये जो लिस्ट है गाइस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, ओके, फेसबुक को ले लेते हैं, ठीक है। तो फेसबुक को हमने क्लिक कर लिया, तो गाइज इसको यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर देंगे, मतलब कि आपका जो नॉर्मल वाला एप्लीकेशन रहेगा आप इसको चाहें तो इसको अनइंस्टॉल कर देंगे, इसमें से इसकी लिस्ट से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसके अंदर जो ऐप्स हैं गाइज वो ऐड कर सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार से आप अपना सिक्योर फोल्डर ओपन करेंगे। चलिए अब आपको क्या करना है गाइज, आपको आपकी होम स्क्रीन पर आना है और यहाँ पे गाइज आप देखेंगे मेनू बार में आके सिक्योर फोल्डर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको टैप कर लेना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है आपका, और ये ओपन हो जाता है। अब गाइज इसके अंदर आपको और एप्लीकेशन प्लस करने हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे सिंपल तरीके से। तो गाइज यहाँ से आप और एप्लीकेशन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको और ऐड करना हो, जैसे मेरे को क्रोम ऐड करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से सेलेक्ट करूँगा उस एप्लीकेशन को, और यहाँ पे गाइज मेरे को स्नैपचैट ऐड करना है और ऐड पर क्लिक कर दूंगा, तो गाइज वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से गाइज अब मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ ईजिली इन पर। गाइज यहाँ पर सिंपल तरीके से इसका डाटा बिल्कुल अलग होगा जो यहाँ पे यहाँ यूज़ करूँगा मैं, उधर गाइज इसका डाटा अलग होगा। तो गाइज आई होप कि आप ऐप लॉक समझ गए होगे सिक्योर फोल्डर वाला। तो गाइज यही जेन्युइन तरीका है सैमसंग, और ये बेस्ट है नॉक्स, सैमसंग नॉक्स की तरफ से काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है। तो गाइज आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।